अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों के लिए हम तवा चिकन बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए इन चीज़ों की ज़रूरत है। वन, हमने चिकन लिया है, इसको इस तरह से काट लिया है और निशान डाल दिया है इस पर। अगर आप चाहें तो छोटे चिकन के भी कर सकते हैं बिल्कुल वैसे ही, और करीब 1 kg है। और इसमें 2 मीडियम प्याज काट लिया है, 2 बुलेट हरी मिर्च है बड़े वाले जो काटा हमने, और 2 टमाटर हैं उसको भी हमने काट लिया है। हरी मिर्च ये लंबी लंबी, इसको हमने 2 काट लिया है। हाफ लेमन है, इसको हमने काट के रखा है। अदरक है 1 टीस्पून, इसको हमने काट के फ्रेश रखा है। और 4 टेबलस्पून ये है हरी धनिया है, टेबल स्पून। और इसमें ये मसाले की ज़रूरत होगी, इसे साइड करते हैं। ये मसाले की ज़रूरत होगी, 1 टीस्पून काली मिर्च है, 1/2 टीस्पून गरम मसाला है, 1 टीस्पून पपरिका पाउडर है, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च है। अगर आप चाहें तो मिर्च अपने हिसाब से आप ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, इसको हमने थोड़ा रोस्ट कर लिया है। 1/2 टीस्पून कुटी मिर्च है, ये हमने इसको हमको मैरिनेट करना है। तो उसमें 1 टीस्पून हमने लहसुन लिया है और 1/2 टीस्पून अदरक लिया है, क्योंकि अदरक उसमें उस फ्रेश डालना है। और ये पपरिका है पाउडर 1/2 टीस्पून, उसको इसमें मिक्स करना है, मैरिनेट करना है। चलिए इसे हम मैरिनेट कर लें। ये चिकन में हम मैरिनेट कर रहे हैं अदरक और लहसुन, और इसमें और ये नमक हमने 1/2 टीस्पून हमने भूल गए थे बताना, ये 1/2 टीस्पून नमक है। और पकाते वक्त भी थोड़ा नमक डालेंगे, तो हमने सिर्फ 1/2 ही डाला है। इसको मैरिनेट करते हैं नमक वगैरह के साथ। इसको अच्छी तरह अंदर अंदर मिक्स करना। करीब इसको 1/2 आवर या 1 आवर रख दें। अगर आपके पास टाइम है तो 1 घंटा 2 घंटा रख दें। अगर नहीं है तो आप डाल के मसाला और आधे घंटे में या 20 मिनट्स में ही आप उसको पका सकते हैं। और ये जो लेमन है हमने जो स्लाइस काटा था, ये भी डाल देना है इसमें। ये हमने गाट लिया है और इसी तरह इसको मिला देना। इसके अंदर अंदर मसाला लगा दें तो अच्छा है कि अंदर अंदर चला जाएगा। ये करीब 1/2 आवर इसको रखते हैं, फिर आप लोगों को 1/2 आवर के बाद मिलते हैं। 1/2 आवर हो गया है मैरिनेट हुए, अब चलिए इसे शुरू करते हैं बनाने के लिए। इस तरह इसको मिला लें अच्छी तरह से, डालने से पहले तवा पे। देखिए एकदम रेडी है, अंदर अंदर चला गया। चार तवा हमने डाला है कुकर पे, मीडियम आंच पे इसे 4 टेबलस्पून डालते हैं। ऑयल आप चाहें तो थोड़ा ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। अभी हम 3 डाल रहे हैं और हो सकता है हम बाद में डालें, अभी हमने 3 डाला है टेबलस्पून। अब इसे 2-3 मिनट कवर करते हैं। करीब 2-3 मिनट फिर कवर कर लें तो ये अंदर अंदर गल जाएगा मीडियम फ्लेम पर। और अभी इसे पलटे नहीं, ये अच्छे कलर अच्छा आएगा। 5 मिनट्स हो गया है, अब इसको ढक
इसको चेक करके चेक कर लेते हैं। देखिए इसके कलर कितने अच्छे हैं, इसको भी इसी तरह करीब 5 मिनट रखना है, मगर चेक जरूर कर देंगे और इसे कवर कर दें। ऑलमोस्ट ये रेडी है, रेडी है, ये हो गया है। पैन चेंज करना होगा क्योंकि ये छोटा पड़ रहा है ये पैन, और हम इसके बाबी की कमर के लिए ये डालेंगे यहाँ बाबी की। और ये छोटा पीस का ही बनता है, आप चाहें तो या बोनलेस का किसी चीज़ का ही बना सकते हैं। तो इसको ऑयल डाल दें थोड़ा सा और इसे करीब 2 से 3 मिनट तक इसे फ्लेवर के लिए। कुकर बंद करके फ्लेम बंद करके ये डाल दें और उसके बाद फिर थोड़ी देर में फ्लेम ऑन करते हैं। अब खोल रहे हैं, 2 मिनट हो गया है। ये इसका जो ऑयल बचा था बहुत कम बचा है, थोड़ा ऑयल हमको और ऐड करना होगा क्योंकि ऑयल कम हो गया है। ये हम सब इसका ऑयल थोड़ा ले रहे हैं। करीब 1 से 2 टेबलस्पून और ऑयल डाल रहे हैं क्योंकि हमको मसाला डालना है। ये जो हमने प्याज काटा था ये डाल देना है। प्याज डालना है और ये टमाटर डालना है, हमें सॉफ्ट करने के लिए। हमने इसमें ऑयल भी डाला है, ये ऑयल की तेल की जरूरत पड़ेगी और इसे थोड़ा देर के लिए कवर कर देते हैं। करीब 4 मिनट हो गए हैं, 4 से 5 मिनट, इसे देखते हैं। देखिए सॉफ्ट हो गया, सॉफ्ट हो गया, इसे खाली सॉफ्ट करना था। और अब इसमें थोड़ा सा ये डाल देंगे, सॉल्ट डालेंगे क्योंकि प्याज डाला है, टमाटर डाला है तो कम पड़ जाएगा। तो करीब 1/2 टीस्पून डाल रहे हैं, चेक कर लेंगे उसके बाद। नमक आप ज़रूर चेक कर लें, आप अपने हिसाब से आपको कम चाहिए या ज़्यादा चाहिए। अब इसमें ये मिर्चे ये सब जाएंगे, थोड़ी अदरक जो काटा था वो डालेंगे और ये जो हमने मसाला करके रखा था सब मसाला, ये मसाला पूरा चला जाएगा। या आप इसे मिक्स कर लें इस तरह से, यहाँ पे इसको मिक्स करके और फिर उसके बाद आप डाल दें।
सबको मिक्स करने के बाद करीब 2-3 मिनट इसे फिर कवर करते हैं। इसको मीडियम लो पे हल्का छोड़ दें करीब 2-3 मिनट। ऑलमोस्ट भुने पे हैं, इस पर हम 2 टेबल स्पून पानी डाल देंगे थोड़ा सा, ग्रेवी हल्का सा हो जाए। अगर आप नहीं चाहें तो पानी नहीं डालें, हमने हल्का सा डाला है क्योंकि ये अच्छा ग्रेवी हो जाएगा। चिकन ऑलरेडी बहुत गल गई है, इससे ये हरी धनिया डालते हैं और ये लेमन हमने जो रखा था ये तैयार है। इस पर लेमन ये कुकर ऑफ करके हम ये ऐसे हाफ लेमन हम पूरा डाल रहे हैं। ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, करीब हमने 3-4 मिनट और रखा पानी डालने के बाद, 2-3 मिनट और 4 मिनट और रखा। देखिए इस तरह की ग्रेवी हुई है, तो चलिए सर्व करते हैं। ये अंदर गल भी गया है, और आप चाहें तो चिकन के छोटे पीस के भी बना सकते हैं, बोनलेस के भी बना सकते हैं, तो दोनों तरह का बना सकते हैं। चलिए फिर इसको सर्व करते हैं। या पार्टी में किसी भी घर के लिए कोई मेहमान आ गए हैं, बहुत जल्दी बनता है। ये रेसिपी रेडी हो गई है। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें प्लीज़, शेयर करें और फीडबैक दें। इंशाल्लाह ताला फिर आप लोगों को नए रेसिपी के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। Thank you.